तुम इतना नुकसान कर रहे हैं ना हद से ज्यादा। अभी कुछ टाइम पहले ही देखो उन्होंने चार्जर फिर तोड़ा था, और देखो ये फिर आईफोन का चार्जर फिर तोड़ दिया उन्होंने। अभी 1200 की डाटा केबल ली थी कुछ टाइम पहले ही, अब फिर तोड़ दी गाइस। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आए आप सब बहुत अच्छे गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है सैटरडे और 4-5 दिन से मैं ब्लॉग मतलब 4-5 दिन से क्या एनिवर्सरी से ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि आपको पता है जब मैंने अपना काम ओपन किया है मुझे उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था, तो मैं इस चक्कर में ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। बट अब मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और आज है आशु का प्रोग्राम और मेरा फास्ट था, जैसे कि अब मैं फास्ट नहीं रख सकती क्योंकि हमारे घर में अभी फास्ट वगैरह नहीं रख सकते। तो बस मैं आप कैसे रेडी हुई हूँ और म्यूज़िक है म्यूज़िक, तो आज सुबह रहे आज आज जाएंगे प्रोग्राम पे। और मैं अभी मार्केट जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने जो मेरे ब्लाउज का थोड़ा सा मुझे सामान लेके आना है, तो मैं तुम्हें म्यूज़िक से मिलवाती हूँ। म्यूजिक को हेलो कर लो, हेलो गाइस कर लो, हेलो गाइस कैसे हो आप? ये पारी कर रही है मुझे, देखो कितना सारा पालू करता, कितना सारा पालू पालू करता है, ये गंदा बच्चा हो रहा है। तो ये देखो म्यूज़िक, तो चलो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो गाइस जिसने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी मुझे सब्सक्राइब करें गाइस। म्यूज़िक अपने पापा से पीछे पीछे जा रही है क्योंकि ना मुझसे कम इन ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि खाना वगैरह आज भी देते हैं इसको, मैं देती हूँ लेकिन ये फिर भी आज ज़्यादा टच में। हाँ यार तुम प्रोग्राम पर जाओगे तो क्या करेगी, मुझे लग रहा है मुझे भगभग के पागल कर देगी। तो गाइस वैसे म्यूज़िक बहुत समझदार बच्ची है हमारी, बट आशू नहीं होती ना। कल मैं लाइव आई थी इंस्टाग्राम पर तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, दीदी बहुत क्यूट है ये, बहुत समझदार है। तो मैंने दिखाया था आशु, इसके लिए बाहर सामान लेने गए थे उसके खाने का। तो ये जब तक आशु नहीं आए ना गेट पे खड़े खड़े भौंकती रही भौंकती रही भौंकती रही। जब आशु आए तो उनको प्यार किया, तो सब देख रहे थे लाइव पे, सब ने ये बोला दीदी बहुत समझदार है ये वो करके। तो अब आशु अपना लैपटॉप पैक कर रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम पर जाना है, तो प्रोग्राम पर लैपटॉप लेके जा रहे हैं। तो चलो मैं चलती हूँ मार्केट, हुआ फिर मार्केट के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। भाई आप बहुत धूप हो रही है बाहर, लेकिन जाना पड़ेगा कब, क्योंकि मैं सामान ला कर दूँगी ना तो अब इस काम फिर थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को जाना ही पड़ेगा मार्केट। गर्मी क्या देखनी जब काम करना है तो। गाइस मार्केट से आ गई थी और आज गर्मी में बहुत राहत है, देखो आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। तो मार्केट से आ गए थे हम लोग और वहाँ मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि गर्मी भी थी हो रही थी और फिर म्यूज़िक साथ में बैठी हुई थी बीच में, तो म्यूज़िक पर उठती तो फिर ज़्यादा ब्लॉग में बाइक पर ले नहीं पाती। बट भगवान जी ने रहम कर रखे थोड़ी सी मौसम में, आज का मौसम बहुत अच्छा है। और अब आशु नहाने गए हैं, मैं उनके कपड़े प्रेस कर दूँ फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। चल रही है लेकिन हवा ना गर्म गर्म हवा चल रही है, लेकिन हवा चल रही है, अगर ऐसा ही मौसम है ना पूरी पूरी गर्मी बहुत अच्छा रहेगा ना, गर्मी का एहसास ही नहीं होगा। पर ये आंधी आ रही है, माय गॉड बहुत तेज आंधी आ गई गाइस। तो मुझे आंधी बारिश बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। आशु बाहर आओ ना, आशी आशु आओ, देखो मौसम तो प्यारा हो रहा है, आंधी आ रही है बाहर। तो चलो चलते हैं, आशु की मुँह की भाग सच हो गई। आशु आज कह रहे थे भगवान मौसम अच्छा होना चाहिए क्योंकि आज मेरा प्रोग्राम है, गर्मी रहनी चाहिए और बारिश आनी चाहिए आज। तुम्हें तो लग रहा है बारिश आएगी आज? तो आप तो गाड़ी से जाओगे, तो गाड़ी हाथ में आएगी, चलो छत पे चल रहे। तो चलो गाइस ऐसे मौसम में थोड़ी सी रील्स बनाती हूँ फिर मिलती हूँ आपको। अरे तो इनके कपड़े प्रेस ही कर लूँ, जैसे अंदर जाने की बात बोलती ना हवा आ जाती, मन ही नहीं करता। ये भी आ गई मौसम का मजा लेने। म्यूजिक ये तो पापा के चमची है, तो आज आशु का प्रोग्राम नहीं होता तो आज हम घूमने जाते ना आशु, पर काम पहले घूमना तो चलता रहेगा। और देखो मेरी बालकनी गंदी हो रही है लेकिन करूँगी क्लीन। क्या हो रहा है इसकी? तो चलो चल मिलते थोड़ी देर में। आशु के रात को मैंने आंखों में काजल लगाया है, देखा ना आज, देखो क्या करवाती है, फिर वो ऐसे बोल बोलती है कि मुझे फिर करो। देखो अब तो तुम्हें करेगी फिर बोलेगी मुझे करो, है ना नोनी? आप ऐसे ही करते हो ना, आप मम्मा से पालू पालू कराते हो, पापा से कराती, मम्मा से तो नहीं कराती।
चलो अभी बोला था मैंने झूठे चल बता दे फिर तो गाइस मैं ग्रैनेजल बना दूं और चलो और ये भोग रहे देखो लाइट भी चली गई कि यहाँ पे यही है यूपी के साइड ना थोड़ा सा अभी आंधी बारिश आती तो लाइट छिल जाती लेकिन हम आए तो इन्वर्टर लेकिन ठंडे वाले ना नॉन गर्म पानी चलो मैंने कहा एंजल बना दूँ फिर मिलती हूँ आपसे मैंने बना दिया आ चुका एंजल म्यूजिक को लग रहा था कि मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ देखो यहाँ से कूद के चली गई और हम मेरे पीछे पीछे आ रही है देखो हेलो सो गाइस गर्मी इतनी हो रही है कि बिना एनर्जल के काम नहीं चलता आशु तो एनर्जल पीते कड़वा एक ही चम्मच डाला है मैंने पी लो एक साथ से तो आप लोग भी घर में एनर्जल नहीं तो आप लोग भी घर में ना गर्मियों में एनर्जल नारियल पानी नींबू पानी क्योंकि गर्मी बहुत हद तक है इस बार इस साल तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है तो घर में लिक्विड वाली चीज़ ज़्यादा कर पिया करो चलो मिलती हूँ मम्मी के यहाँ पहुँच के मम्मी के यहाँ जाए आशु तो रात निकल जाएंगे मैं और म्यूजिक वहीं रुकेंगे फिर रात को आएंगे इनके साथ ही चलते हैं गाइस चूहे इतना नुकसान कर रहे हैं ना हद से ज़्यादा अभी कुछ टाइम पहले ही देखो उन्होंने चार्जर फिर तोड़ा था और देखो ये फिर आईफोन का चार्जर फिर तोड़ दिया उन्होंने अभी 1200 की डाटा केबल ली थी कुछ टाइम पहले या फिर तोड़ दी गाइस ये देखो वो तो शुक्र है कि मेरे फ़ोन के संग डाटा केबल आई थी तो हमने वो यूज़ कर ली वरना तो यार कहाँ तक इतना अफोर्ड करेंगे बहुत ज़्यादा चूहे बहुत नुकसान करना कर लो रखना होता है बहुत ज़्यादा वाला और खाते भी पूरे यहाँ से हैं देखो तो किसी दिन में ही नहीं होता अभी मैं जब गई थी अभी एक महीना भी नहीं हुआ ना आशु से एक महीने पहले डाटा केबल ली थी और फिर तोड़ते चूहों ने और म्यूजिक है फिर भी चूहे पता नहीं कहाँ से आते अब निकल गए पता हाँ तो चलो इन्हीं के संग संग पीछे पीछे चलती रहती है ज़्यादा ही जाएंगे चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे मम्मी के यहाँ पे आ गई हूँ आशु चले गए प्रोग्राम पे और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने थोड़ी सी गाइस हम लोग आ गए हैं ज्वेलर्स की दुकान से और हमने ऑर्डर दे दिया तो कल आएगी चैन तो चलो इसको मेरे हाथ के चावल खाने हैं पता ही काम करने के लिए झूठ बोल रही है अभी सच में आधी बंद करिए एक मिनट झूठ बोल दिया गाइस खाने या नहीं खाने क्योंकि मुझे इसके आपके चावल और एक सोयाबीन की सब्जी की दो चीज बहुत अच्छी लगती है एक्चुअली मैं सारी चीज अच्छी बनाती हूँ बड़ी अच्छी लगती है ये दो ही खाती तो इससे दो ही अच्छी लगती है और ये लाइव आ रही है तो मैं चलो इनके लिए चावल बना लूँ और म्यूजिक सो रही है वहाँ पे घुस के पीछे और ये लाइव आ रही है तो चलो क्या है? खाना बनाती हूँ मैं आशु तो लेट ही आएंगे एक बजे तक और कल भी उनका यार तुम लोगों को मैनर्स नहीं है कि व्लॉगिंग चल रही है तो आशु एक बजे आएंगे तो यहीं पर ही खा के जाना है उन्होंने कहा था मैं तो खा के आऊंगा और थोड़ा बहुत खाऊंगा तुम पैक कर लेना चलो ठीक है मिलती हूँ फिर मैं आपसे थोड़ी देर में चावल बना के तो गाइस जैसे मैंने आज थ्रेडिंग बना दी है पार्लर जाती थी इसको क्यों दर्द होता है बता दो मैं हाँ गाइस 11:30 बज गए आशु अभी तक आए नहीं और हम सब बैठे हैं ये देखो इसके देखो बिल्ली ने काटा है हाँ दीती है और खेल रहा है घर पे आ गए आशु भी आ गए प्रोग्राम पे से और बज गए हैं 12:30 तो म्यूजिक देखो मैंने छोड़ेगी नहीं क्योंकि इनके पीछे पीछे रहेगी अभी तो हम लोग आ गए यार तुम्हारी बात बहुत आधी रहती है आशु की बाइक की आवाज़ सुनी इन्होंने इसने एकदम गेट पे जाके खड़ी हो गई अब कैसे बैठे मैंने पुन्नो हेलो गाइस कर दो सबको हेलो गाइस मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ मेरे को नहीं करती इतना प्यार तुमको ही करती है लेकिन चलो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो बाय बाय गाइस मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक टाटा सी यू